गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल, स्वागत है आप सभी का मेरे डेली न्यूज एनालिसिस में। उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को डेली अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और इसी तरह से बने रहिए और आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज 15 मई 2023 की करंट अफेयर्स की क्लास की। एंड चलिए पहली न्यूज की तरफ सीधा बढ़ते हैं। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है मेरे बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हो, आप कुछ चीजें लिखी हुई हैं अगर आप नहीं जानते मुझे तो। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना @kcartpal सर्च करके, जहां पर आपको इस क्लासेस की पीडीएफ एंड अपडेट्स मिल जाएगी। आज की पहली न्यूज जो आई है वो आई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर प्रोवाइड किया है लाइसेंस टू प्रोफेक्टस कैपिटल फॉर फैक्टरिंग सर्विसेज टू एमएसएमईज। तो यहां पर आपका एमएसएमईज को यहां पर फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्रोफेक्टस कैपिटल नाम की एक कंपनी को एक लाइसेंस दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। किस चीज का लाइसेंस दिया गया? फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने का, ठीक है। सो फैक्टरिंग सर्विसेज यहां पर फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 के अंडर डिफाइंड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस चीज का लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है, ओके। तो यहां पर अब समझते हैं आखिरकार ये फैक्टरिंग सर्विस होता क्या है, फैक्टर क्या होता है, फैक्टरिंग क्या होता है। आज एक नया टर्म आप सीखने वाले हैं मुझसे, दैट्स दी फैक्टरिंग, ठीक है। बड़े आराम से तसल्ली से सुनिएगा इस बात को। फैक्टरिंग एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं, यहां पर आपको लेकर चलता हूं, बड़े इत्मीनान से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। फैक्टरिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि यहां पर एक कंपनी और दो कंपनीज के बीच में किया जाता है, ए कंपनी बी कंपनी, इनके बीच में यहां पर यह किया जाता है। और इसमें एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है, सी नाम की कोई थर्ड पार्टी, यह भी एक प्रकार की कंपनी है जो कि यहां पर ये फैक्टरिंग सर्विसेज जो है वो उपलब्ध कराती है। जो हमारी न्यूज है, इस न्यूज में ये काम प्रोफेक्टस कैपिटल कर रहा है, यानी कि सी जो है वो एक प्रोफेक्टस कैपिटल कंपनी है जो यहां पर डिफाइंड की हुई है, ठीक है, ओके। ए यहां पर डील कर रहा है बी से, यानी कि ए ने कोई यहां पर सामान खरीदा है बी से, बी उसका सप्लायर है, बी यहां पर सप्लाई करता है सामान को और ए यहां पर परचेज कर रहा है उसको बी से, ठीक है। तो यानी कि ए को यहां पर बी को पेमेंट करनी है, ए को बी को पेमेंट करनी है। तो ए को यहां पर जो पेमेंट करनी है, ए कहता है कि मैं अभी पेमेंट करने में सक्षम नहीं हूं, मैं अभी आपसे उधार करूंगा कुछ समय के लिए। तो बी के पास यहां पर जो पैसा ए ने देना था वो अभी 2 महीने बाद उसको मिलेगा, 2 मंथ्स की पेमेंट पे यह काम करते हैं कि 2 महीने बाद पैसा मिलेगा। बी एग्री कर जाता है ए के साथ ये डील करने में और इसी तरह से आगे और भी ट्रांजैक्शंस चलती रहती हैं, 2-2 महीने की टर्म्स पे यहां पर आगे 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 फर्दर ट्रांजैक्शन होती रहती हैं, यानी कि 2 महीने की उधारी की है, सिंपल सी बात है, बी ने ए के साथ, ठीक है। अब बी यहां पर क्या करता है, ऑब्वियस है जब ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन हुई है तो यहां पर कोई ना कोई एक बिल एक दूसरे का एक्सचेंज हुआ होगा। बिल मतलब इनवॉइस जिसको कहते हैं, जो सामान खरीदने बेचने का आप किसी भी शॉपिंग मॉल या कहीं पर भी जाते हो, एक इनवॉइस लेते हो ना, इनवॉइस, ठीक है, बिल लेते हो उसका। यहां पर अब बी क्या कहता है, बी को यहां पर अचानक से बीच में पैसों की जरूरत पड़ी, बी को यहां पर बीच में पैसों की जरूरत पड़ी, बी कहता है यार 2 महीने तो बहुत ज्यादा है, मुझे पैसों की जरूरत है। तो बी यहां पर एक ऐसी कंपनी को ढूंढता है जो कि होती है सी नाम की कंपनी, जो कि इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराती है। किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराती है, वो ये करती है, बी जो है वो सी के पास जाता है और उसको कहता है कि मैंने ए से ऐसे ऐसे यहां पर परचेज किया था, ठीक है, ए ने मुझे यहां पर बी ने बी से परचेज किया था यहां पर आपका सामान और ए ने मुझसे उधारी की है, मुझे अभी लेकिन फिलहाल पैसों की जरूरत है, ए जो पेमेंट मुझे करेगा वो यहां पर करेगा, कब करेगा मुझे पेमेंट, 2 महीने बाद, मुझे आज ही पैसे की जरूरत है। सी क्या करता है, सी कहता है बी को कि ओके सर, डन, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं, आप आइए, मोस्ट वेलकम यहां पर, और आप यहां पर अपना जो इनवॉइस है ना, ये जो इनवॉइस है वो कितनी अमाउंट का इनवॉइस है, वो कहता है 10 लाख रुपए का इनवॉइस है, ठीक है सर, ओके डन, 10 लाख रुपए का जो इनवॉइस है वो मुझे दे दीजिए, मुझे सौंप दीजिए, ये सौंप दिया जाता है इसको इनवॉइस। सी क्या करता है, सी इसके बदले में जो 10 लाख रुपए है
ये बी को देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन पूरा 10 लाख नहीं, उसमें से कुछ कमीशन निकालो। कमीशन किस बात का भाई साहब? आपको हम सर्विस दे रहे हैं ना, आपको पैसा 2 महीने बाद मिलना था, अब आपको पैसा 1 महीने बाद ही मिल रहा है या 15 दिन बाद आपको पैसा मिल रहा है, तो आपको जो सुविधा दी जा रही है उसका कमीशन तो हम लेंगे, है ना, ऑब्वियस है। तो ये कमीशन काटकर, कमीशन अब डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ये कितना कमीशन चार्ज करेगी, कुछ भी फिक्स नहीं है, 4%, 5%, 2%, 1% जो भी होगा। तो कमीशन काटकर बाकी पैसा यहां पर बी को दे दिया जाता है सी के द्वारा, और जब यहां पर समय आता है ये 2 महीने कंप्लीट होने का, सी यहां पर अप्रोच करता है ए को और ए को कहता है, देखिए जो इनवॉइस आपने ए और बी के बीच में हुई थी वो इनवॉइस मेरे पास है, मैंने ऑलरेडी बी को पेमेंट कर दी है आपके यहां पर, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेमेंट जो है वो बी को ना देकर वो पेमेंट आप मुझे देंगे। तो यहां पर सी जो है ए को अप्रोच करके बाद में पेमेंट ले लेता है और बीच में इसको कमीशन मिल जाता है। ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन हुई है, ये पूरा पूरा जो कहानी हुई है, इसको हम फैक्टरिंग सर्विस कहते हैं, दैट इज प्रोवाइडिंग द फैक्टरिंग सर्विसेज। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपने कहीं ना कहीं एक शब्द सुना होगा बिल डिस्काउंटिंग का, आपको ये कुछ वैसा ही लग रहा होगा जैसे बिल डिस्काउंटिंग होता है, कुछ कुछ वैसी चीज ही लग रही होगी। मैं एग्री करता हूं यहां पर भी वही हुआ है जो बिल डिस्काउंटिंग में होता है, लेकिन बिल डिस्काउंटिंग में आपके इनवॉइसेस नहीं होते हैं। बिल डिस्काउंटिंग में आप सिंपल एक स्लिप ऑफ पेपर एक दूसरे के साथ उधार करते हैं, उस चीज की उधार को आप पहले ले लेते हैं किसी एक बैंक में जाकर, आप उसको बिल को डिस्काउंट कराते हैं, वो कंसेप्ट यही है लेकिन चीज अलग है। किया ऐसे ही जाता है, मैकेनिज्म ऐसे ही घूमता है, सर्कल ऐसे ही उसका घूमता है, लेकिन उसमें यहां पर एक बिल, एक पर्ची यहां पर इन्वॉल्व होती है, नोट इन्वॉल्व होता है यहां पर आपका, लेकिन इसमें इनवॉइस इन्वॉल्व है, यहां पर बिल इन्वॉल्व है, जो बिल जो हम काटते हैं जो सेल परचेज के वक्त, वो वाला बिल इसमें इन्वॉल्व है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। फैक्टरिंग सर्विसेज जो है वो कंपनीज के बीच में यहां पर परचेज सेल की ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए की जाती है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, जो कि यहां पर फैक्टरिंग सर्विसेज उपलब्ध करवाता है, ठीक है। अब यहां पर जो फैक्टरिंग होती है, ये आपकी होती तो काफी तरह की है, लेकिन मैं यहां पर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग आपको बता रहा हूं जो कि यहां पर आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पहली फैक्टरिंग होती है रिकोर्स फैक्टरिंग, दूसरी फैक्टरिंग होती है नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स फैक्टरिंग और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है, रिकोर्स फैक्टरिंग में आपका होता है कि जो रिस्क है, अब ऑब्वियस है कि ए कल को पैसा सी को देगा कि नहीं देगा, एक प्रकार का रिस्क है ना, हो सकता है ना दे। अगर ऐसी कोई फैक्टरिंग की गई है जिसमें जो रिस्क है वो स्टिल बी का ही है, स्टिल बी ही यहां पर रिस्पॉन्सिबल है, कल को अगर ए सी को पैसा नहीं देता तो बी को यहां पर सी को पैसा देना पड़ेगा, वापस चुकाना पड़ेगा अगर ए सी को पैसा नहीं देता है, तो उसको कहते हैं रिकोर्स फैक्टरिंग। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें सी कहता है ओके डन, आप टेंशन मत लो, बी को कहता है जो भी यहां पर रिस्क होगा वो मैं लूंगा, ए अगर पैसा देगा नहीं देगा वो मेरा रिस्क है, मैं उससे कैसे वसूलूं, वो मेरी सिरदर्दी है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको हम नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग कहते हैं। आई होप कि ये फैक्टरिंग जो शब्द है, ये जो मैकेनिज्म मैंने बताया आपको, बड़ा ही इजी लगा होगा और आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी। रिकोर्स फैक्टरिंग और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग का मतलब भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके, क्लियर है। मैं फिर से कहूंगा कि आपको ये मैकेनिज्म कुछ कुछ आपका जो बिल डिस्काउंटिंग का होता है कंसेप्ट वैसा ही लग रहा होगा, कंसेप्ट वही है, मैकेनिज्म वही है, लेकिन जो पार्टीज है, जो अंदर चीजें इन्वॉल्व है वो अलग है, किया वैसे ही जा रहा है, और इसके लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो बिल जो बैंक में यहां पर डिस्काउंट होता है, इस केस में यहां पर अलग से कंपनीज होती हैं जो फैक्टरिंग सर्विसेज उपलब्ध कराती हैं, और यही फैक्टरिंग सर्विसेज का जो है यहां पर एक सर्विसेज प्रोफेक्टस कैपिटल को आरबी के द्वारा इस काम को कैरी आउट करने का लाइसेंस दे दिया गया है। ये एक न्यूज यहां पर सिंपल सी आती हुई, टू प्रोवाइड दी फैक्टरिंग सर्विस टू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको ये सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए। ये तो हुआ एक न्यूज, इसी में एक और खबर है। क्या खबर है? आरबीआई ने यहां पर रुपी ओनली सेटलमेंट ऑफ फीस चार्जेस लेविड बाय ऑथराइज्ड पर्सन ऑन इंटरनेशनल डेबिट कार्ड स्टोर वैल्यू कार्ड अमंग अदर्स एंड पेबल इन इंडिया,
सो आरबीआई ने यहां पर एक और मैंडेट किया है, इन्होंने कहा है कि आप केवल और केवल रुपी ओनली सेटलमेंट फीस जो चार्ज आप करेंगे, जो भी आप फी चार्ज करते हैं, जब भी हम यहां पर क्या करते हैं कि ऑनलाइन कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर पेमेंट करते हैं, चाहे आप बाहर विदेश में गए हो, वहां पर आपने स्वाइप किया हो कार्ड अपना, या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हो, तो वहां पर कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं आपके, ठीक है, चार्जेस लगते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फीस के, ट्रांजेक्शन फीस। तो उन्होंने कहा है जो ट्रांजेक्शन फीस आप लेते हो वो ट्रांजेक्शन फीस आपकी रुपी में लेनी है आपको, दूसरी करेंसी में नहीं लेनी, दूसरी कंट्री में नहीं लेनी। तो उससे क्या होगा कि आपके चार्जेस अगर आप डॉलर में लोगे तो फिर करेंसी एक्सचेंज के में आ जाएंगे, आप चार्जेस बता दो कि भाई फॉरेन एक्सचेंज में आप इतना इतना पैसा भेज रहे हो तो आपको 100 रुपए लगेगा, 200 रुपए लगेगा, आप डॉलर में बताओगे 1 डॉलर लगेगा, 0.5 डॉलर लगेगा, नहीं, आपको वो चीजें जो करनी है वो रुपी में ही आपको करनी है। ऑफ द फी चार्जेस, जो फीस चार्जेस लिए जाते हैं आपका इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, स्टोर वैल्यू कार्ड, या फिर किसी भी और तरह के कार्ड पे जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें चार्ज कार्ड, स्मार्ट कार्ड या फिर और कोई इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे शामिल हैं आपके, ठीक है, इन सब में यहां पर अब रुपी इंस्ट्रूमेंट ही इस्तेमाल, रुपी से ही आपका सेटलमेंट किया जाएगा, इंडियन रुपी में ही आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। आई होप दोनों के दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे और न्यूज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। बहुत सारे लोगों को फैक्टरिंग जो शब्द है आज पहली बार समझ में आया होगा, और ये रिकोर्स और नॉन रिकोर्स भी याद रख लेना, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। ओके, सो इस तरह की खबरें भी आपके एग्जाम में आती है, राइट, ओके, चलिए अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर आई है, कोटक बैंक ने अनवील किया है प्राइवी लीग एंड एक्सक्लूसिव प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम। सो कोटक महिंद्रा बैंक ने यहां पर लॉन्च किया है प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम, जिसका नाम रखा है प्रीवी लीग। प्रीवी लीग नाम रखा है, टारगेटिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कौन से होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा अमीर कैटेगरी में, जिसको कहते हैं अपर क्लास में आते हैं, एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास, एक अपर क्लास होती है, तो अपर क्लास जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, कॉरपोरेट्स हैं, जो मालिक हैं कंपनी के, है ना, अमीर लोग जो है ना, वो आते हैं आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में, और उनके लिए यहां पर एक प्रोग्राम शुरुआत किया जिसका नाम उन्होंने रखा है प्रीवी लीग। किसने शुरुआत की है, कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक के इस प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम के तहत आपका कस्टमर्स को यहां पर एक प्रिविलेज दिया जाएगा, उनको कस्टमर सर्विसेज एक अलग तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा यहां पर इट इंक्लूड्स अ सिग्नेचर एलईडी डेबिट कार्ड। एलईडी डेबिट कार्ड में एलईडी यहां पर लगा होगा, इस तरह का एक डिजाइन किया गया है, और ये इंडिया का पहला एलईडी कार्ड यहां पर होने वाला है। एलईडी जो आपकी चमकती है ना, तो चमकने वाला कुछ कार्ड है एलईडी कार्ड, ये भी इसी सेगमेंट के लोगों को यहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रीवी लीग जो है वो कौन से बैंक की लीग है, यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा प्रीवी लीग को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। ये प्रीवी लीग है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की प्रीवी लीग, जो कि यहां पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को टारगेट करेगा। इस न्यूज को अगर समझाना है सिंपल सरल भाषा में समझाऊं तो समझो इस न्यूज को, आखिरकार ये न्यूज है क्या। क्या होता है कि बैंक में, अगर आपको नहीं मालूम, तो हरेक बैंक में यहां पर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट्स कहने का मतलब है कि मेरे पास मान लीजिए कोई एक कस्टमर आता है और वो कस्टमर यहां पर एक सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहता है। सेविंग अकाउंट में हमारे बैंक का मान लीजिए मिनिमम बैलेंस हम रखते हैं 1000 रुपए, आपको मिनिमम बैलेंस रखना है, नॉर्मल कस्टमर वो खुलवा जाएगा। फिर मैं उसको एक ऑप्शन देता हूं कि सर अगर आप 1000 की बजाय मुझे 5000 रुपए मिनिमम बैलेंस दोगे तो आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा सर्विस मिलेंगे। एक्स्ट्रा सर्विस यानी कि आपको ऐसा डेबिट कार्ड दे देंगे जिसमें एक दिन में आप 1,00,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो। नॉर्मली जैसे हम 25,000 तक विड्रॉ करते हैं, कई कुछ बैंक 40,000 तक विड्रॉ करवाते हैं, वो कहीं 1,00,000 तक विड्रॉ कर सकते हो। अच्छा सर आप इसमें ऐसा कीजिए 50,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखवा लीजिए, आपको हम लोकल रेंट जो है उस पर 50% का डिस्काउंट दे देंगे सर, है ना। अगर आप 1,00,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखवा देते तो आपको यह सुविधा दे दीजिएगा, आपके ऐसा कार्ड दिया जाएगा जिसमें आप एयरपोर्ट के लाउंज सर्विसेज आपके उपलब्ध है। तो ऐसी प्रिविलेजेस यहां पर कुछ कस्टमर को दी जाती है। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनकी सैलरी, जिनका अच्छा खासा उनका बिजनेस है, काम है, करोड़पति हैं, तो उनके अगर अकाउंट में, सेविंग खाते में वैसे ही कुछ ना कुछ पैसा पड़ा रहता है, 1,00,000-2,00,000, उनको 1,00,000-2,00,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे लोगों को, हम सोचते हैं 1,00,000 रुपए हमारे लिए काफी मायने रखता है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए मायने नहीं रखता, इनके सेविंग अकाउंट में ऐसे 5-10,00,000-20,00,000 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये लोग ऐसे प्रीमियम अकाउंट जो होते हैं वो ओपन कराते हैं जिनका मिनिमम बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, तो ये ओपन करवा लेते हैं, इनका मिनिमम बैलेंस से नीचे कभी जाता नहीं है बैलेंस, तो इसलिए इनको यहां पर वो जो अमाउंट है वो अमाउंट
इतनी मिनिमम बैलेंस जमा करा के इनको एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बैंकिंग के द्वारा, बैंक्स के द्वारा। और उन्हीं में कोटक महिंद्रा बैंक ने ऐसी एक सर्विसेज की सुविधा देने की फैसला किया अपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को कि उन्होंने प्रीवी लीग नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, जिनमें से एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज कि उनको एलईडी डेबिट कार्ड कुछ दिया जाएगा। अब एलईडी डेबिट कार्ड में कुछ अलग से तो कुछ होगा नहीं कि ऐसा कोई डेबिट कार्ड है जो आप एक किलोमीटर दूर से फैच कर लेंगे, जो स्कैन होगा वगैरह, है वही डेबिट कार्ड, वही एटीएम में जाना पड़ेगा सब कुछ, बस एक वो शो ऑफ है कि हाँ मेरे पास एक एलईडी कार्ड है, इट्स जस्ट लाइक अ शो ऑफ। अब फोन जो है, अब आप फोन इस्तेमाल करते हो, आप जिस फोन से इस क्लास को देख रहे हो उस फोन पे मेरी क्लास, मेरी शक्ल, शक्ल तो चलो मत जाओ, शक्ल तो जैसी है वैसी है, मेरी क्लास जो है उसका कंटेंट जो है वो आपको उतना ही समझ में आएगा जितना आप 5,000 रुपए फोन में देखोगे, चाहे 50,000 के फोन पे देखोगे, चाहे आईफोन में देखोगे। आईफोन में देखोगे तब भी आपको मेरा कंटेंट उतना ही समझ में आएगा, 5,000 के फोन में देखोगे मेरा कंटेंट उतना ही समझ में आएगा, कोई फर्क नहीं है। इट्स जस्ट अ शो ऑफ कि हाँ ठीक है, जो हाई नेटवर्थ है उनको एक शो ऑफ करना है, देखो मेरे पास एलईडी कार्ड है, वो एक मार्केट में दिखाएंगे कि मेरे पास एलईडी कार्ड है। अब एलवी का बैग ले लो, चाहे यहां पर नॉर्मल सा कोई भी देसी बैग ले लो, यहां पर चाहे वॉलेट ले लो, अब वॉलेट में पैसे रखने, एलवी के वॉलेट में पैसे रखने से कोई पैसे बढ़ थोड़ी ना जाएंगे, पैसे तो उतने ही रहेंगे। इट्स जस्ट कि वो बाहर जब आप निकालोगे लोगों को दिखेगा कि हाँ ये एलवी का कार्ड है, बस वो फर्क है। एक और सर्विसेज कुछ प्राइवेट बैंक्स यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं, इनको रिलेशनशिप मैनेजर भी उपलब्ध करा देते हैं कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, इनको बैंक में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इनके पास खुद ब खुद घर पर बैठकर घर पर ही बैठे रहते हैं, ये जस्ट एक कॉल करते हैं, बैंक से खुद एक पर्सन आता है, इनकी ट्रांजेक्शन खुद घर पर ही करके चला जाता है। ऐसी प्रिविलेजेस भी बहुत सारे प्राइवेट बैंक उपलब्ध कराते हैं। तो ये आपका हाई नेट इंडिविजुअल्स के लिए ये सर्विस उपलब्ध कराई जाती है क्योंकि उनके द्वारा मिनिमम बैलेंस जो है वो कुछ लेवल तक मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, आई होप कि आप मेरी ये बात को समझ गए होंगे और मेरी बात को इस न्यूज से कनेक्ट कर पाएंगे कि आखिरकार ये पूरी पूरी पीवी लीग आखिरकार है क्या, क्यों दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, हाई नेटवर्थ को इसका क्या फायदा है, इस तरह के प्रोग्राम क्यों चलाए जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, प्रीवी लीग किसका है, कोटक महिंद्रा बैंक का है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में इंडिया का पहला एलईडी कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सिग्नेचर एलईडी डेबिट कार्ड एक्सिस बैंक और कोटक बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिस कुड बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। मार्केट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। इंडिया का पहला एलईडी कार्ड कौन से बैंक के द्वारा जारी किया गया है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड उसका सही आंसर रहेगा। गलत मत करके आना, दिमाग में छाप लो, अभी के अभी आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, आपका यहां पर एक नंबर पक्का कर रहा हूं मैं। ठीक है, 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में है, उदय कोटक इसके एमडी एंड सीईओ है। राइट, चलिए अगली न्यूज पे चलने से पहले कुछ रीसेंट फैसिलिटीज जो कि लॉन्च की गई है बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के द्वारा पिछले कुछ दिनों में, यहां पर महीने में, जिसमें लेटेस्ट हमने उस दिन बैंक क्लिनिक के बारे में पढ़ा था जो कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा लॉन्च किया गया, और हाल ही में एक यस किरण नाम की स्कीम भी हमने पढ़ी थी जो कि सोलर सेल्स को एस्टेब्लिश करने के लिए यस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई थी। उससे पहले सीवीवी पेमेंट, फ्री पेमेंट फीचर वीजा के द्वारा लॉन्च किया गया था, विशेष प्रोग्राम एचडीएफसी के द्वारा लॉन्च किया गया, शुभ आरंभ डिपोजिट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था, डिजिटलाइज सबमिशन ऑफ फॉर्म 15G15H हाल ही में केनरा बैंक और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा लाया गया, और ये कुछ फैसिलिटीज अभी हाल फिलहाल में बैंकिंग सेक्टर के द्वारा लॉन्च की गई हैं जिनके बारे में हमने पिछले कुछ दिनों में डिस्कशन डिटेल में किया हुआ है। ठीक है, ओके, अगली न्यूज रेजर पे से आती हुई, रेजर पे इंट्रोड्यूसेस ऑटोमेटेड एस्क्रो प्लस सॉल्यूशन पावर्ड बाय द एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज। तो यहां पर आपका रेजर पे ने यहां पर इंट्रोड्यूस किया है आपका एक एस्क्रो प्लस सॉल्यूशन एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज के साथ मिलकर, एस्क्रो प्लस सॉल्यूशन रेजर पे के द्वारा। रेजर पे एक्स जो एक कंपनी है, ये एक पेमेंट गेटवे कंपनी है। अगर लाइक दी आपने कोई मॉक टेस्ट खरीदा होगा, अगर आपने स्टडी नीति के हमारे वाले मॉक टेस्ट खरीदे होंगे तो उस पर आपने जब पेमेंट की होगी तो आपको ध्यान होगा उस पर रेजर पे का एक कॉलम आता बनता बना हुआ, और उस पर आप पेमेंट अपनी डालते हैं, वहां पर अपना यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग वगैरह डालते हैं और आपकी पेमेंट हो जाती है। अगर आप में से किसी ने परचेज किया होगा तो आपको देखा होगा रेजर पे पेमेंट गेटवे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो रेजर पे पेमेंट गेटवे एक कंपनी है, इसने प्रोवाइड कराया है, क्या कराया है, एस्क्रो प्लस सॉल्यूशन पावर्ड बाय एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड आरबीएल बैंक आईसीआईसीआई बैंक टू सपोर्ट द मर्चेंट्स एंड एनेबल इंस्टेंट एंड सिक्योर मनी ट्रांसफर फॉर द बिजनेसेस। अब सुनो क्या बात है, ये एस्क्रो क्या होता है। एस्क्रो एक प्रकार का एक अकाउंट है। ठीक है, एस्क्रो इज अ काइंड ऑफ अकाउंट।
अब ये क्यों ओपन होता है, मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू, एक अलग एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, थोड़ा ये भी आऊंगा, पहले उस एग्जांपल को देखते हैं फिर इस एग्जांपल में, इस न्यूज पे आएंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर एक ए कंपनी है जिसका एक अकाउंट है एसबीआई में, एक कंपनी है जिसका अकाउंट है एसबीआई में, इस ए ने यहां पर एसबीआई से क्या है लोन लिया हुआ है, ए ने एसबीआई से लोन लिया हुआ कितने अमाउंट का डजंट मैटर, ठीक है लोन लिया हुआ। ए का काम क्या है, ए ने यहां पर जो लोन लिया था वो लोन लिया था क्या करने के लिए, एक बहुत बड़ा मॉल बनाने के लिए, एक मॉल बनाएगा, बड़ा मॉल बनाएगा और उसके लिए एसबीआई से ए ने लोन ले लिया, मॉल बनाएगा। अब मॉल का जो लोन लिया गया अब उसको चुकाना तो है ही, ऑब्वियस मॉल बन गया सब कुछ हो गया, मॉल चुकाना, पैसा कैसे चुकाना है, ईएमआई के फॉर्म में, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट पर मंथ हम कितना कुछ किस्त यहां पर ए जो है एसबीआई को चुकाता रहेगा, एबीसी कंपनी है, ए कंपनी है वो चुकाती रहेगी। एक तो वो तरीका है, एक और तरीका यहां पर, वो तरीका क्या है कि जो मॉल यहां पर बनाया गया है, मॉल बनाया गया, मॉल का पर्पज क्या था बनाने का, कि मॉल के अंदर जो दुकानें हैं उनको सेल किया जाएगा, ऑब्वियस है ठीक है, सेल किया जाएगा तो सेल करके यहां पर कुछ पैसे आएंगे, कुछ पैसे किसके पास आएंगे, ए के पास आएंगे, और ए के पास जो पैसे आएंगे उन्हीं पैसों से यहां पर आपका एसबीआई का लोन धीरे धीरे चुकाया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आता है, इस तरह के केस में ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट आता है और एक नया अकाउंट खुलता है, वो अकाउंट खुलता है एसबीआई के पास, और उस अकाउंट को कहा जाता है एस्क्रो अकाउंट, उस अकाउंट को कहा जाता है एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट में क्या होता है, एस्क्रो अकाउंट में यहां पर जो भी मॉल, जिस पर्सन ने भी दुकान खरीदी है मॉल में, उसका पैसा वो ए को नहीं देता, वो पैसा कहां देता है, वो पैसा देता है एसबीआई के एक एस्क्रो अकाउंट में, वो पैसा एसबीआई के एस्क्रो अकाउंट में जाता है, और एस्क्रो अकाउंट से क्या होता है, एस्क्रो अकाउंट से एसबीआई को जितनी उसकी ईएमआई है, जितना पैसा उसको चाहिए, जितना पैसा उसको चाहिए उस एक दुकान को बेचकर, उसको अगर लगता है कि मुझे इतना पैसा, वो फिक्स परसेंटेज कर लेता है कि हरेक दुकान में से इतना पैसा मेरे पास आएगा, तो हरेक दुकान में से जितना पैसा, जितना माल वो बिका है, जितनी दुकान बिकी है उसका, मान लीजिए वो कहता है 70% मेरे पास आएगा, तो 70% एस्क्रो अकाउंट से शिफ्ट हो जाएगा एसबीआई के उस लोन अकाउंट में जो कि ए ने लिया था, ठीक है, उस लोन अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा 70%, मैं मतलब परसेंटेज ऐसे एग्जांपल में ले रहा हूं, तो परसेंटेज पैसा एसबीआई के उस लोन अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा, तो लोन अकाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, और बाकी जो 30% है वो ए के जो दूसरा अकाउंट है, करंट अकाउंट है या कोई भी अकाउंट है ए के, उस अकाउंट में चला जाएगा। ये होता है एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट एक प्रकार से एक मीडिएटरशिप का काम करता है, जिस पर्सन ने यहां पर किसी भी तरह की सुविधा यहां पर उस बैंक से ले रखी है, पहले उसमें पैसा जाता है और फिर पैसा आप बाद में बट जाता है। अब यहां पर अगर मैं मॉल की दुकान बिकी तो मैं ए को डायरेक्टली पैसा देता तो उसमें क्या होता, ए हो सकता है पैसा चुकाता नहीं चुकाता एसबीआई को पूरा, लेकिन यहां पर एसबीआई ने रिस्क ना लेकर, एसबीआई ने अपने रिस्क को कम किया है और उसने इस केस में एक एस्क्रो अकाउंट ओपन कर लिया जहां पर पैसा आएगा और वो पैसा जो आएगा वो एसबीआई के कंट्रोल में रहेगा, एसबीआई उस पैसे को फिर बांट देगा, कुछ पैसा लोन में चला जाएगा लोन खाते में, कुछ पैसा ए को वापस दे दिया जाएगा जितनी ए को यहां पर उन्होंने देना तय किया है जब यहां पर लोन अप्रूव किया गया था। आई होप कि एस्क्रो अकाउंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब आते हैं इस कंसेप्ट से इस न्यूज पे, न्यूज में क्या है, न्यूज में यह है कि रिजर्व पे ने यहां पर एक एस्क्रो प्लस सॉल्यूशन को यहां पर एक इनवाइट किया। एस्क्रो प्लस सॉल्यूशन क्या है, अब रिजर्व पे में क्या होता है, रिजर्व पे का कंसेप्ट सीखो। रिजर्व पे में मान लीजिए हमारी एक कंपनी है, ठीक है, हम आपसे पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने आपको मॉक टेस्ट सेल किया, आपने मुझे पेमेंट करी, तो पेमेंट सबसे पहले क्या होती है, रिजर्व पे के पास जाती है। आप जो भी पेमेंट करते हो ना, जो भी पेमेंट करते हो, सी बंदा जो भी पेमेंट करता है, वो डायरेक्टली मेरे पास नहीं आती, वो पहले रिजर्व पे के पास जाती है। रिजर्व पे क्या कहता है, रिजर्व पे उस जितना भी पेमेंट पूरे के पूरे एक दिन में जितना पेमेंट इकट्ठा हुआ है उस पेमेंट को एक या दो दिन बाद मुझे यहां पर भेजता है, मुझे एक या दो दिन बाद गैप में वो इकट्ठा पैसा पूरे दिन का वो दो दिन बाद के गैप में मुझे भेजता है, ठीक है। अब यहां पर एस्क्रो अकाउंट, यहां पर रिजर्व पे ने कहा कि हम आपके लिए एक एस्क्रो अकाउंट की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। एस्क्रो अकाउंट की सुविधा क्यों उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपका एक, हम एक एस्क्रो अकाउंट ओपन कर देंगे,
एस्क्रो अकाउंट ओपन कर देंगे और ये एस्क्रो अकाउंट के थ्रू अब से आपकी जो पेमेंट है वो आप तक पहुंचेगी। कोई और पर्सन जो करेगा पेमेंट करेगा, अब उसको नहीं पता लगेगा एस्क्रो अकाउंट में पेमेंट करिए, लेकिन वो पैसा जाएगा एस्क्रो अकाउंट में और एस्क्रो अकाउंट से पैसा आपके पास जाएगा और एस्क्रो अकाउंट से पैसा पूरा आपके पास नहीं जाएगा क्योंकि रेजर पे क्या करता है, रेजर पे इन सभी ट्रांजेक्शन को करने की कोई ना कोई फीस चार्ज करता है बीच में, जिसको ट्रांजेक्शन फीस कहते हैं। तो रेजर पे क्या करेगा, अपनी कुछ फीस जो है वो अपने पास रख लेगा और बाकी जो पैसा है वो यहां पर तुरंत मेरे अकाउंट में आ जाएगा। अभी जो पैसा है वो यहां पर दो दिन के गैप में आता है। अब रेजर पे ये ट्राई कर रहा है कि तुरंत जैसे एस्क्रो अकाउंट में पैसा आया, एस्क्रो अकाउंट से पैसा दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, रेजर पे ने अपनी ट्रांजेक्शन फीस उठा ली और एस्क्रो अकाउंट से पैसा ए के पास इंस्टेंट ट्रांसफर हो गया। इंस्टेंट और सिक्योर करने के लिए इसको ये एस्क्रो प्लस की शुरुआत रेजर पे के द्वारा की गई है। आई होप कि ये न्यूज छोटी सी न्यूज थी लेकिन मैंने पूरा इसको समझाने का आपको प्रयास किया और दो अलग अलग एग्जांपल के थ्रू समझाया है। ये जो चीज समझाई है ये अलग कंसेप्ट था, ये जो चीज समझाई है अलग कंसेप्ट था, ये लोन के केस में कंसेप्ट था, ये नॉर्मल ट्रांसफर के केस में कंसेप्ट था। आई होप दोनों की दोनों आपको चीजें समझ में आई होंगी और आज आपको एक नया कंसेप्ट एस्क्रो अकाउंट का भी समझने को मिला होगा। ठीक है, ओके, चलो। 2014 बेंगलुरु, हर्षिल माथुर इसके सीईओ हैं। मैं रेजर पे की बात करूं, ठीक है, मैं आपको इतने बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट सिखाता हूं यार, कुछ बताया करो कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है यार। तुम लोग जोश ही नहीं दिखाते फिर ना, वो एक टीचर को भी ना कभी कभी ऐसा फील होना चाहिए यार कि यार कुछ सिखाया बंदे को सामने वाले समझ, आप तुम चुपचाप बैठ जाते हो है ना आकर, हाँ ठीक है मतलब चुप जाओ, ओके बस ऐसा लगता है और मैंने कुछ सिखाया नहीं। भाई साहब अगर मैं ये एस्क्रो अकाउंट का कंसेप्ट यहां पर मैं सिखाऊं ना ऑफलाइन क्लास में कहीं पर मैं कंसेप्ट अगर ट्रेनिंग सेंटर में तुम्हें सिखाने लग बैठू ना मैं, कि कोई नए पीओज आए हैं, नए क्लैरिकल आए और मैं ट्रेनिंग सेंटर में ऑफलाइन इसको पढ़ा रहा हूं, वहां पर भाई साहब तालियां बज जाए कि सर क्या बात है क्या समझाया, और तुम लोग डिले ना कमेंट में कुछ बताओगे, अब वो लगता है फिर ना कमेंट पढ़ता हूं रात को लगता है अरे यार मैंने क्या समझाया, मतलब मजा नहीं आएगा बच्चों को, ऐसा फील होता है कि यार शायद इनको मजा नहीं आया यार, अब क्या कर सकते हैं, मतलब इतना बढ़िया कंसेप्ट कोई शायद इन्होंने सीखा होगा वो मैं समझा रहा हूं और फिर भी ये कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा इनको, लगता है क्या हो गया क्या नहीं हुआ, फिर अगले दिन कोई ऐसा कंसेप्ट आता है फिर कहते हैं छोड़ो यार समझाए ना समझाओ क्या कर सकते हैं, बच्चे तो कर ही नहीं रहे हैं उसको एंजॉय उस चीज को, है ना। थोड़ा यार बताया करो, जोश दिखाया करो यार अपना यार, ऐसे थोड़ी ना चलता है यार काम, ऐसे थोड़ी ना मजा आता है, फिर ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों हाथों से ताली बजाओगे तभी काम बनेगा ना। चलो आगे चलते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ऑन इट्स ब्रोडल इंस्टा प्लेटफॉर्म। ओके, बड़ौदा इंस्टा प्लेटफॉर्म पे यहां पर किया गया है, ठीक है, ओके। So, यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, आप सभी को मालूम ही है, इसने लॉन्च कर दिया इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी पिछले दिनों में काफी सारे बैंक्स कंटिन्यू लॉन्च कर रहे हैं, तो अब वो कोई इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी का कंसेप्ट नया कंसेप्ट नहीं रहा है। आई होप इस कंसेप्ट को आपको ऑलरेडी क्लियर होगा, हमने बहुत बार पिछले दिनों में इसके ऊपर बात की है। तो एक और नाम इस लिस्ट में जुड़ चुका है और वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पार्टनरशिप वही नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड ही इस फील्ड में शामिल है, इसमें शामिल है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ टाई अप किया, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी उनका एक प्लेटफॉर्म है बड़ौदा इंस्टा, बड़ौदा इंस्टा नाम का प्लेटफॉर्म है बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसके थ्रू यहां पर जारी किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसेंट न्यूज की बात करें तो बीओबी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहां पर एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया था पुदुमई पेन स्कीम के तहत, और आरबीआई ने यहां पर 30 लाख की एक पेनल्टी भी बैंक ऑफ बड़ौदा पर इंपोज की थी, काफी टाइम पहले की ये न्यूज है। 1908 में एस्टेब्लिश हुआ था, वडोदरा गुजरात में हेडक्वार्टर है, टैगलाइन इंडिया इंटरनेशनल बैंक है, एमडी एंड सीईओ इसके संजीव चड्डा जी है, ठीक है। तो यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने नेशनल गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की शुरुआत कर दी है, ठीक है, ओके। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं, अगली न्यूज पढ़ते हैं, मैं पानी पी लूं एक सेकेंड फिर पढ़ाता हूं आपको अगली खबर।
एक ने बीच में पूछा आरबी ग्रेड बी के सब्सक्रिप्शन का। बेटा ऐसा है कि आरबी ग्रेड बी का सब्सक्रिप्शन जो है ना तुमने ले लिया होगा, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे जाओ, वहां पर कोर्स अवेलेबल है, वहां से एक्सेस हो जाएगा कोर्स। ठीक है, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे कोर्स दे रखा है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। आगे चलते हैं। ओके, और एक चीज और आगे बढ़ने से पहले है ना, एक चीज और बता दूं, आज रात को 9 बजे आपके लिए सरप्राइजेज आ रहे हैं, कुछ मेरी तरफ से, मेरी मैम की तरफ से, दोनों की तरफ से। एक बड़ा ही यूनिक सा, एक बढ़िया सा यूट्यूब सेशन हम लेकर आ रहे हैं रात को 9 बजे हमारे स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे, तो जरूर उस चैनल से जुड़ना मत भूलना रात को 9 बजे। ठीक है, उस चैनल पे बढ़िया मजेदार तरीके से हम कुछ ना कुछ आपके लिए सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। तो आई होप कि आपने उसका ट्रेलर देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो ट्रेलर देख लेना भाई, क्यों नहीं देखा ट्रेलर अभी तक, है ना, ट्रेलर तो देखो, ट्रेलर देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, ट्रेलर इतना गजब बनाया है हमने ना। रात को 9 बजे मिलना जरूर भूलना मत, बहुत कुछ लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, मैं अपनी तरफ से लेकर आ रहा हूँ, पहली बार मैं कुछ सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ, मैं नॉर्मली सरप्राइज लाता नहीं हूँ, पहली बार मैं ही लेकर आ रहा हूँ, पहले तो मैडम लाती है ना, इस बार मैं ला रहा हूँ। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने एक एमओयू साइन किया है पुरडुई यूनिवर्सिटी यूएसए के साथ, यहां पर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है अश्विनी वैष्णव जी, और साथ में यहां पर आपका जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यहां पर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में यहां पर एक एमओयू साइन किया गया। जस्ट हेडलाइन में से क्वेश्चन याद रख लेना, नथिंग एल्स, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन साइन किया एमओयू किसके साथ, पुरडुई यूनिवर्सिटी यूएसए। तो पुरडुई यूनिवर्सिटी ने किसके साथ किया है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ, बस इतना ही इसमें न्यूज में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। एयरटेल ने यहां पर डेवलप किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन टू टैकल फ्रॉड मैसेजेस। सो यहां पर भारतीय एयरटेल ने डेवलप किया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बेस्ड सॉल्यूशन, जो कि यहां पर डिटेक्ट करेगा, प्रिवेंट करेगा, एलिमिनेट करेगा फिशिंग, स्पैम एंड फ्रॉड को थ्रू मैसेजिंग। मैसेज के थ्रू आपके साथ बहुत सारे फ्रॉड्स यहां पर वगैरह वगैरह होते हैं, उन सबको रोकने के लिए यहां पर भारतीय एयरटेल ने एक ऐसा टूल बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि यहां पर इन सबको रोकने में मदद करेगा, और इसने इसके लिए पार्टनरशिप किया एचडीएफसी बैंक के साथ। तो एचडीएफसी बैंक के साथ ये मिलकर बनाया है। इस सॉल्यूशन के तहत उनके द्वारा एक एंटी स्पैम फिल्टर बनाया गया है, जो कि यहां पर आपके तकरीबन 2 मिलियन मैसेजेस को पर डे रोक सकता है, जो उनको डिटेक्ट कर, मतलब आपके मोबाइल पे क्या मैसेज आते हैं स्पैम मैसेज, लाइक दी अभी उस दिन मैसेज आया कि आपका बैंक अकाउंट जो है इस बैंक में जो अकाउंट है ये ब्लॉक कर दिया गया, कृपया करके इस लिंक पे क्लिक करें और अपने अकाउंट को एक्टिव करवाएं। ऐसे मैसेज बहुत होते हैं, एसएमएस आता है, और आप जैसी जनरेशन तो यहां पर थोड़ी सी अवेयर है, मेरे जैसी जनरेशन जो कि अब मतलब बूढ़ी हो चुकी है, उस जनरेशन के लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो हम जैसे लोग उस पर ना चाहते हुए क्लिक कर लेते हैं डर के मारे कि कहीं मेरा अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए, और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल से कुछ इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाएंगी, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन चली जाएंगी, हो सकता है उसके थ्रू वो आपके मोबाइल को भी हैक करें या कुछ भी जो भी वो कर सकते हैं वो चीज की जा सकती है, या फिर आपके मोबाइल के फोल्डरों को एक्सेस कर पाए, ताकि वो कोई भी ओटीपी अगर मोबाइल पे आता है तो उसको यहां पर वो चीज एग्री, वो चीज आप उसकी ओटीपी जो है वो आपके रीड कर सके। ठीक है, तो ये चीज आपको बाकी लोगों को बतानी है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अप्रैल 2023 वोडाफोन आइडिया बना था पहला टेलीकॉम ऑपरेटर जिसने यहां पर इस तरह का सोल्यूशन लेकर आया था ट्राई के साथ। ट्राई को उन्होंने इस तरह का सॉल्यूशन दिया था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस तरह का सॉल्यूशन दिया था आपका हाल ही में अप्रैल 2023 में, और भारतीय एयरटेल ने अब उसी को आगे एक अपग्रेड करते हुए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बनाई है एचडीएफसी के साथ मिलकर। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, किसने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन बनाया फ्रॉड मैसेज को टैकल करने के लिए, एयरटेल ने। किसने सबसे पहले बनाया था, वोडाफोन ने। एयरटेल ने किसके साथ मिलकर बनाया है, एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर इन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, भारतीय एयरटेल की बात करें तो 1995 में फॉर्म किया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, सुनील भारती मित्तल इसके चेयरपर्सन है, एमडी एंड सीईओ इसके गोपाल विट्टल है। सुनील शेट्टी ने हाल ही में लॉन्च की एक फूड डिलीवरी ऐप वायु नाम की। सो वायु नाम की एक फूड डिलीवरी ऐप यहां पर सुनील शेट्टी जी ने लॉन्च की है, आपके अन्ना जिनको हम कहते हैं और अंजलि,
तुम मुझे भूल जाओ ये मैं हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये उल्टा हो गया क्या अंजलि? मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। वही आपके सुनील शेट्टी जी, वही जैसे स्विगी जोमेटो काम करते हैं वैसे ही ये काम करेंगे। और इनका कहना है कि स्विगी जोमेटो से इनको 15% तक सस्ता खाना मिलेगा। डाउनलोड कर लो भाई, आपके एरिया में अगर उपलब्ध है वायु तो, है ना। तो ये है वायु, एक फूड डिलीवरी ऐप, उसके यहां पर इन्वेस्टर भी बने हैं और ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं, राइट ओके। अगली न्यूज, मीनाक्षी लेखी जी ने इनॉग्रेट किया बुद्धम शरणम गच्छामि एग्जीबिशन। सो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर, मीनाक्षी लेखी जी ने इनॉग्रेट किया है बुद्धम शरणम गच्छामि, यहां पर एक एग्जीबिशन। दिस इज जी है ये आपका, ठीक है, सॉरी। इट वॉज इनॉग्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द सीनियर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, वहां पर मौजूद थे एम्बेसडर से, डिप्लोमेट से, मिनिस्ट्री ऑफिशियल से। कहां पर? दिल्ली में। यहां पर इसको लॉन्च किया गया, दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। सो यह मीनाक्षी लेखी जी ने इनॉग्रेट किया बुद्धम शरणम गच्छामि नाम के इस एग्जीबिशन को। ये चीज इनॉग्रेट की गई है अभी हाल ही में, कहां पर? दिल्ली में। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा बुद्धम शरणम गच्छामि कहां पर? दिल्ली में किया गया है, राइट ओके। ICMR conduct successful trial run of blood bag delivery under the iDrone initiative. So, यहां पर एक iDrone जो था, drone basically, उसने यहां पर एक blood bag की delivery यहां पर successfully carry out की। Blood bag होता है कि जिसमें यहां पर जो खून होता है, blood होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सके। उस चीज को, जहां पर वो preserve करके रखा जाता है blood को, उस चीज को blood bag कहते हैं। आपने अगर ब्लड डोनेट कभी किया होगा तो शायद आपने कभी उस चीज को देखा होगा, माइट बी, है ना। तो ICMR, दैट इज द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है ट्रायल रन ऑफ द डिलीवरी ऑफ ब्लड बैग्स बाय ड्रोन्स अंडर द iDrone इनिशिएटिव। तो iDrone इनिशिएटिव के तहत यहां पर यह किया गया है ब्लड बैग, यहां पर ट्रायल रन ऑफ द डिलीवरी ऑफ द ब्लड बैग्स बाय ड्रोन अंडर द iDrone इनिशिएटिव के तहत। सो ये ट्रायल रन जो हुआ था, इसमें क्या था, ड्रोन जो है ब्लड बैग को लेकर एक जगह से दूसरी जगह गया। कहां पर गया? इसने 10 यूनिट्स जो थी ब्लड सैंपल्स की, वो लेकर गया GIMS से LHMC के बीच में। GIMS क्या है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ग्रेटर नोएडा। और LHMC क्या है? लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज। तो ये दोनों के बीच में यहां पर आपका इसने फ्लाइट भरी और लेकर गया 10 यूनिट्स ऑफ ब्लड सैंपल्स के एक जगह से दूसरी जगह। और ये चीज पहली बार की गई है कंट्री में ICMR के द्वारा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इन्वॉल्व था, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा इन्वॉल्व था, एंड द JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है नोएडा की, वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। ड्रोन उन्हीं का होगा यहां पर आपका। और ये सब की इन्वॉल्वमेंट के बाद यहां पर पॉसिबल हो पाया कि एक जगह से दूसरी जगह पे आपका ब्लड बैग को डिलीवर किया गया और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, क्विक मोड में लेकर जाया जाएगा, है ना। नीचे से लेकर जाएंगे, ट्रैफिक आएगा, अगर क्विकली चाहिए किसी दूसरी जगह पे, तो ड्रोन की सहायता से ब्लड बैग को पहुंचाया जा सकता है, ओके। सो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये चीज की गई है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पैराग्राफ में जितने इंस्टीट्यूट्स के नाम है उनके नाम याद रख लेना, कहां से कहां गया है वो यहां पर लिखा हुआ है। एंड ICMR की बात करें तो 1911 में फॉर्म किया गया था, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, डॉक्टर राजीव बहल इसके चेयर पर्सन है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और अगर आप ये काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ आप, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आपके मन में कोई वहम नहीं है, वैसे तो वहम होना नहीं चाहिए, लेकिन आपको एटलीस्ट, वैसे तो देखो ब्लड आप 3 महीने बाद डोनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टिल चलो 3 महीने बाद नहीं करना, लेकिन साल में एटलीस्ट 1 या 2 बार ब्लड डोनेट करते रहा कीजिए। आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, और सामने किसी और की मदद भी हो जाती है, जरूरत भी पूरी हो जाती है, ठीक है। और खासकर ऐसे जो लोग हैं जिनके जो ब्लड है वो बड़ा ही रेयरेस्ट होता है, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिनका रेयरेस्ट होता है, उनको तो खासकर इस चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। किसी और के लिए ना कीजिए, अपने लिए कर लीजिए, कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी बॉडी एकदम से अलग तरीके से, ब्लड का एक नया निर्माण, सब कुछ नया हो जाता है, ब्लड एकदम क्लियर हो जाता है, ये कहा जाता है, ठीक है। तो इट्स गुड, 3 महीने बाद कर सकते हो, लेकिन 3 महीने बाद नहीं, चलो ठीक है सर एग्जाम दे रहे हैं वगैरह वगैरह जो भी है, और ऐसा कोई टेंशन नहीं, कमजोरी वमजोरी नहीं आती, ऐसा नहीं है कि ब्लड दे दिया 2 दिन तक बिस्तर पे पड़े रहे, अरे कुछ नहीं होता।
हार्डली 10 मिनट तक ऐसा फील होता है, 5 मिनट भी शायद नहीं फील होता, 5-10 मिनट फील होता है। और उसके ऊपर कुछ खा लीजिए, पी लीजिए, जो आपको कहा जाता है, रिकमेंड किया जाता है, और देन यू आर गुड टू गो। कोई इतना कोई उसमें बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली डरने वाली बात नहीं है। हाँ वो है थोड़ा सा किसी को सुई से डर लगता है, क्योंकि उसमें सुई जो होती है थोड़ी सी वो खतरनाक वाली दिखती है ना, लेकिन वो इतनी भी खतरनाक जो आपको अंदर से फील होगा ना उसके सामने वो हल्का फुल्का दर्द भी कुछ इतना लगेगा नहीं, है ना। ठीक है चलो। हाँ कुछ बीमारी है, कुछ दिक्कत है, फिर शायद अवॉइड कर सकते हो, लेकिन स्टिल भी ऐसा कुछ डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते जब तक कुछ सीवियरनेस ना हो। और शायद वो आपका जो ब्लड है वो किसी के काम आ जाए, है ना। दुनिया में बहुत जरूरत होती है लोगों, कभी ना कभी कहीं ना कहीं। नेक्स्ट न्यूज है, बोर्न टू सून, डिकेड ऑफ एक्शन ऑन प्री टर्म बर्थ। एक रिपोर्ट आई है बोर्न टू सून, डिकेड ऑफ एक्शन ऑन प्री टर्म बर्थ नाम की, और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हाफ ऑफ द प्री टर्म बर्थ बेबीज बोर्न बिफोर द 37th वीक ऑफ प्रेगनेंसी इन 2020 हैपेंड इन 5 कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, चाइना एंड इथोपिया। प्री टर्म बेबी वो बेबी होता है जिसका जो जिसकी जो डिलीवरी है वो प्रेगनेंसी के 37 हफ्ते से पहले हो जाए। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी है वो 37 हफ्ते की होती है, जिसको हम नॉर्मली 9 महीने से डिनोट करते हैं, जो बोलते हैं हम उसको 9 महीने का समय एक बोला जाता है। ठीक है, 9 महीने यहां पर एक बच्चा जो है अपनी माँ के पेट में गर्भ में रहता है। अगर वो 9 महीने से पहले उसका बर्थ हो जाता है, किसी भी सिचुएशन में उसका बर्थ करवाना पड़ता है इमरजेंसी में, तो उसको हम एक प्रकार से प्री टर्म बर्थ कहते हैं, आपका प्री मैच्योर बेबी जिसको कहा जाता है दूसरी भाषा में। और यही आपकी प्री मैच्योर बर्थ जो है उसकी रिपोर्ट आई है 2020 की। इन्होंने कहा है 2020 में तकरीबन पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे यहां पर प्री टर्म पैदा हुए थे उसमें से आधे बच्चे जो है केवल 5 कंट्रीज में पैदा हुए थे, जिसमें इंडिया ने टॉप किया था, उसके बाद पाकिस्तान, नाइजीरिया, चाइना एंड इथोपिया। आप ये देखो इन 5 कंट्रीज में 3 कंट्रीज आपकी कौन सी हैं, नेबरिंग कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। ठीक है, रिपोर्ट क्रिएट की गई है WHO के द्वारा एंड द यूनिसेफ के द्वारा, दोनों ने मिलकर इसको बनाया है आप रिपोर्ट को। और एक और है अलायंस PMHCH जो कि दुनिया के लार्जेस्ट अलायंस है वीमेन, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स की, इन तीनों के द्वारा इसको बनाया गया है। एंड ये जो है इसमें टोटल जो फिगर आई है 2020 की उसमें यह कहा गया 13.4 बिलियन बेबीज जो है वो यहां पर प्री टर्म हुए थे 2020 में, जिसमें से 1 मिलियन बच्चे जो है वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनकी मृत्यु होगी। और ये यहां पर इक्विवेलेंट माना जाता है 10 में से एक बच्चा जो था वो प्री टर्म था, उस 10 में से एक बच्चा प्री टर्म था 2000। और इंडिया ने इसमें, उस पे ऊपर बाद में चलूंगा, इंडिया ने इसमें टॉप किया लिस्ट में, तकरीबन 30.16 लाख बर्थ जो थे वो यहां पर आपके इंडिया में सबसे हाईएस्ट थे। दूसरे नंबर पे 9.14 के साथ पाकिस्तान, नाइजीरिया और चाइना 7.52 लाख बर्थ के साथ यहां पर आ गया था। इंडिया में 30 लाख बच्चे जो थे प्री टर्म पैदा हुए थे, 30 लाख, और डिफरेंस देखो 9 लाख और 30 लाख का कितना ज्यादा है। अगर मैं उन कंट्रीज के इंटरनली बात करूं कि इंटरनली कंट्री में जो बच्चे पैदा हुए उनमें से कितने प्रतिशत प्री टर्म पैदा हुए थे, तो उसमें बांग्लादेश सबसे ऊपर है। बांग्लादेश में मान लीजिए 100 बच्चा जो पैदा हुआ था उसमें से तकरीबन 16.2% जो बच्चा है वो यहां पर प्री टर्म था। मलावी में 14.5, पाकिस्तान में 14.4 एंड इंडिया और साउथ अफ्रीका में तकरीबन 13%, यानी कि इंडिया में प्रत्येक 100 बच्चों में से 13 बच्चे यहां पर 2020 में प्री टर्म पैदा हुए थे, प्री टर्म पैदा हुए थे। तो ये यहां पर पूरी की पूरी न्यूज आई। इस न्यूज को अच्छे से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना, ठीक है, एक स्टेटमेंट बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना। और ये शायद जो मुझे लग रहा है कि ये ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा इसलिए होता, कुछ तो इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है उस वजह से इंडिया की फिगर मैं मानता हूं ज्यादा हो सकती है, है ना। दूसरा कारण 2020 में आपका कोविड था, तो कोविड की वजह से भी ये फिगर एक थोड़ा सा एक अलग लेवल पर देखने को मिला था, क्योंकि कोविड में बहुत बार ऐसा होता था कि मदर को कुछ ना कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसकी वजह से वो बीमार हो जाती थी, और उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता था, और बच्चे को यहां पर मजबूरी में आपका बच्चा अंदर बीमार हो जाता और बच्चे को मजबूरी में यहां पर आपका प्री मैच्योर डिलीवरी करवानी पड़ती थी।
ये चीज मैंने खुद फील की है, हमारे साथ भी, मेरे घर पर भी यही सिचुएशन हुई थी। मैं तो बैंक जाता था, मुझे भी यहाँ पर उस दौरान, यहाँ पर जनवरी की बात है, पिछले साल जनवरी की बात है, मुझे भी शायद कुछ ऐसे सिम्टम्स हुए थे कोविड के जनवरी के मिड में। और मैं उस वक्त, मेरी वाइफ यहाँ पर प्रेग्नेंट थी और मैं यहाँ पर उनसे अलग कुछ दिन के लिए रहने लग गया था। शायद उस वक्त के कुछ स्टूडेंट्स होंगे तो उनको ये बात पता होगी मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैं अलग रहने लग गया था, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं मेरी वाइफ उस वक्त अफेक्ट हुई। उसको भी हल्का सा फीवर आया, एक दिन के लिए यहाँ पर आया था, डॉक्टर ने मेडिसिन वेडिसिन दी, वो सही भी हो गई। लेकिन विद इन 4, 5 or 6 days में यहाँ पर हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नजर आने लग गए, जिसमें फिर हमने चेकअप कराया तो ये देखने को मिला कि मेरी जो बच्ची थी, जो अब खैर स्वस्थ है बाय गॉड ग्रेस, उस वक्त उस जो पेट में थी उसको वहां पर थोड़ी सी बीमार हो गई थी, रिपोर्ट सही नहीं थी, तो हमें इमीडिएट उसी वक्त डिलीवरी करवानी पड़ी। इमीडिएट डिलीवरी हुई थी, उसमें इवन डॉक्टर ने यह भी कह दिया था, या देखिए कुछ रिस्क है, एक ही पर्सन दोनों में से बच सकता है, या तो वो या तो वो। हमें बहुत इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ा और इमीडिएट हमें उसकी डिलीवरी करवानी पड़ी। और वो दिन अभी भी याद आता है एक प्रकार से, जब भी याद आता है एक प्रकार से, सच में बताओ तो रूह काम जाती है। अभी बताते हुए अंदर से कुछ हो रहा है कि वो एक एक मोमेंट याद आ रहा है कि कैसे वो मोमेंट हमने जिया था। लेकिन बाय गॉड ग्रेस सब कुछ सही रहा और आज बेबी, खैर मेरी बच्ची काफ़ी टाइम तक हमारे पास नहीं रही। वो आईसीयू में जो बच्चों का होता है उसमें एक महीना रही थी, हमें एक महीने बाद दिया गया था उस बच्चे को, और आज बाय गॉड ग्रेस सब कुछ सही है, मम्मी भी स्वस्थ है, बच्चा भी स्वस्थ है, एंड वेरी गुड, ठीक है, अच्छा है। तो ये चीज़ कितने लोगों के साथ हुई है, मतलब दिस सिचुएशन कैन हैपन विद एनीवन। थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, उस टाइम बस यही था कि कोविड था, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, कंट्रोल में नहीं होती ना, हम ना चाहते हुए भी, मतलब दैट वाज अनकंट्रोलेबल, कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता। प्रिकॉशन इतनी लेने के बावजूद भी लोगों को कोविड हो रहा था, और मुझे एग्जैक्टली कोविड टेस्ट तो नहीं मैंने कराया था, लेकिन हाँ कुछ ऐसे सिम्टम्स थे कि शायद कोविड ही था, राइट। तो खैर उस पे भी एक चलो बात चली, तो मैंने आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहा अपने बारे में। नॉर्मली मैंने ये चीज बताई तो हुई है, लेकिन प्लस क्लास में कभी डिस्कस किया, कभी YouTube पे भी की होगी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। अभी काफी समय बाद ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ। खैर इस न्यूज को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना, ये जो भी आपकी रिपोर्ट है, किसने दी है रिपोर्ट, ये याद रख लेना, और ये आपके जो नंबर्स हैं, सारे के सारे नंबर का खेल है, इस पूरी न्यूज में नंबर का खेल है, और सारे नंबर याद रखने। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया का याद करके छोड़ दो, नहीं, या फिर ये बांग्लादेश का याद करके छोड़ दो, जितने नंबर दे रखे हैं सारे पढ़ने हैं, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, ओवरव्यू ऑफ द इबला 2023। इबला क्या है? इबला है यहां पर आपका इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड, इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड यहां पर आपका आए हैं, 18वां एडिशन आया है, और ये अवार्ड सीएनबीसी टीवी 18 ने यहां पर दिया है। इस इवेंट को प्रेजेंट किया गया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड इन पार्टनरशिप विद द हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा, इस अवार्ड सेरेमनी को प्रेजेंट किया गया था पूरा का पूरा, एंड दिस इज द इबला ओवरव्यू ऑफ द इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड 2023 18th एडिशन सीएनबीसी टीवी 18 के द्वारा। लिस्ट ऑफ विनर्स ऑफ इबला 2023, ये सारे के सारे नाम है जिस जिसको ये प्राइज दिया गया है। अब वही बात होगी कि इतने सारे नाम सर याद कैसे करेंगे, तो ये आपके ऊपर है कि आप याद करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है, ये आपके ऊपर है आप याद नहीं करना चाहते, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो दोनों के दोनों लोगों के लिए मैंने मैदान खुला छोड़ दिया है, चाहे यहां पर आप नाइकी का साइन यूज कीजिए, चाहे आप यहां पर एसिक्स का साइन यूज कीजिए, एसिक्स का साइन ऐसा नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऐसा ही है, चाहे आप नाइकी का यूज कीजिए चाहे एसिक्स का यूज कीजिए, समझने वाले समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, वो आपके ऊपर है कि आप इसको याद करते हैं क्या नहीं करते। आ सकता है और आएगा तो हो सकता है याद ही ना रहे, ये भी हो सकता है ना। काफी फेमस पर्सनालिटी है इसमें, आउटस्टैंडिंग कंपनी, बिजनेस लीडर, स्पोर्ट्स लीडर, एंटरटेनमेंट, सोशल इंपैक्ट, अलग अलग कैटेगरीज है, ओके। बैडमिंटन लेजेंड्स इन लिन डैन एंड ली चुंग वी टू एंटर 2023 BWF हॉल ऑफ फेम। सो यहां पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा अनाउंस किए गए हैं BWF हॉल ऑफ फेम के खिलाड़ियों का नाम, और ये नाम में आपके शामिल हुए हैं कौन, लिन डैन को शामिल किया गया चाइना से, और ली चोंग वी मलेशिया से इनको शामिल किया गया। इनको शामिल किया जाएगा एट ए सेरेमनी जो कि 26 मई को होगी, कुआलालंपुर में होगी यहां पर एक सेरेमनी, उसमें इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। नाम दोनों खिलाड़ियों के याद रख लेना,
और दोनों खिलाड़ी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं याद रख लेना। एग्जामिनर आपसे क्या कहेगा, नाम दे देगा, ये दे देगा, आपसे पूछेगा कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रख लेना, कंट्री भी याद रख लेना इनकी, राइट। चल आगे चलते हैं। इंडियाज रिदम सांगवान इनका नाम है। रिदम सांगवान को क्या किया गया है, रिदम सांगवान ने यहां पर आपका जस्ट अ सेकेंड यार, ओके, फोन डिस्चार्ज हो गया, चार्ज लगा लेते हैं, ओके हो गया। रिदम सांगवान ने जीता है ब्रोंज मेडल इन द वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल, इन्होंने जीता बाकू अजरबैजान में, ब्रोंज मेडल जीता आपका इंडिया के लिए रिदम सांगवान ने। सिंपल सी न्यूज है, ओके। अगली न्यूज आईपीएल से आती है। बेसिकली आईपीएल अभी जब खत्म होगा तो उसके बारे में डिटेल न्यूज मैं एक बड़ी ही समरीज फॉर्म में आपको बता दूंगा, आईपीएल में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तब हम आईपीएल पूरा एक इकट्ठा कवर करेंगे। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज एक आती हुई तो वो एक न्यूज मैं अभी कवर कर रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने कोई आईपीएल की खबर कवर नहीं की है, चाहे कोई रिकॉर्ड ही बनाओ, लेकिन हम एक साथ कवर करेंगे उसको जब आईपीएल कंप्लीट हो जाएगा। तो इंडियन प्रीमियर लीग में यहां पर राजस्थान रॉयल के ओपनर है, यहां पर नाम है इनका यशस्वी जायसवाल, एंड इनके द्वारा यहां पर फास्टेस्ट 50 बनाई गई है, 50 रन सबसे तेज 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं आपके आईपीएल के इतिहास में, आईपीएल में, ठीक है। और इनके द्वारा बनाई गई केवल 13 बॉल्स में, केवल 13 डिलीवरीज में इनके द्वारा यहां पर आपका बनाई गई ये 50, और ये बनाई गई थी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। प्रीवियस रिकॉर्ड जो किया गया था वो केएल राहुल और पैट क्यूमिंस के द्वारा किया था, जब इन्होंने 14 डिलीवरीज में यहां पर आपकी 50 बनाई थी, और अब वहां पर यशस्वी जायसवाल ने 13 डिलीवरीज में यहां पर 50 यहां पर बनाई है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे होंगे कि सर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, मैंने इनके इनिंग्स को देखा था, क्या मजेदार इन्होंने इनिंग्स खेली थी, ये है वो है फलाना ढींकना, बहुत सारी बातें लिख रहे होंगे। तो उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बच्चे अभी ध्यान मत दो आईपीएल पे, आईपीएल तुम्हारे लिए एक प्रकार से बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहा है इस वक्त, बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। आपको लगता है कि 3 घंटे का, सर कोई बात नहीं हाईलाइट्स देख लेते हैं, सर 10 मिनट की तो हाईलाइट होती है सर वो देख लेते हैं, सर कोई बात नहीं मैं इस बैट्समैन की इनिंग देख लेता हूं, मैं बीच में कुछ कर लेता हूं, मैं थोड़ा ब्रेक लेकर ये देख लेता हूं। ब्रेक लेकर भी ये चीज क्या होती है, ये चीज आप लोगों को बांध लेती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप सोचते हो कि ब्रेक लेकर मैं इंस्टाग्राम की रील्स देख लेता हूं, वो ब्रेक नहीं हुआ, वो आपको और ज्यादा उसमें उलझाएगी। आपका जो माइंड है ना, वो माइंड आपका उल्टा और ज्यादा कंज्यूम होगा उस चीज को देखने में। मैं मना नहीं कर रहा क्रिकेट को देखने से करने से, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त डिस्ट्रेक्शन का काम बहुत ज्यादा कर रही हैं, और उनमें से एक आईपीएल भी है। अवॉइड कर सकते हो तो कर लो, मैं भी बहुत क्रिकेट का शौकीन हूं, मैं इवन ऐसा शौकीन इंसान हूं कि मैं शायद क्रिकेट ग्राउंड पर देखना ज्यादा पसंद करता हूं, और मैंने बहुत सारे मैचेस देखे भी हैं, लेकिन मैंने इस बार आईपीएल नहीं देखा। इस बार आईपीएल का मैंने एक भी मैच नहीं देखा, मैंने हाईलाइट तक नहीं देखी। कितने आते हैं, ये भी आता है, मेरे मन में भी आया, मैंने कहा 13 बॉल्स पे बना दी 50। मेरा एक मतलब ऐसा इंसान है जो टेस्ट मैच तक देखता है, वैसा इंसान, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अब आप सोचोगे सर आपको क्यों नहीं डिस्ट्रैक्ट होना, आपको देख सकते हैं, आप तो फ्री हो, ये हो वो है, जितना आप लोगों के पास काम होता करने का उतना हमारे पास भी होता है, ठीक है। इस वक्त जैसे अब मैं इस वक्त में GIB क्लासेस होगी, RB ग्रेड B क्लासेस, उन सब के कंटेंट बनाना, काम बहुत होता है करने के लिए। अगर मैं इन सब चीजों के पीछे पड़ जाऊं, ये सब चीजें देखने लग जाऊं इस मोमेंट पे, तो शायद मेरा वो काम छूट जाएगा। तो इसलिए आप भी उस चीज को मैनेज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज आपके काम की हो, और जरूरी नहीं है हर एक चीज आपको एंटरटेनमेंट दे, कुछ चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट भी करती है, राइट। चीजों को समझो और अच्छे से अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, ये चीजें आती जाती रहेंगी। अगले साल आईपीएल फिर से आएगा, सिलेक्शन के बाद बढ़िया से जाकर देखना, स्टेडियम पे जाकर देखना, टिकट खरीद के देखना, और टिकट भी बढ़िया वाली लेना, 500-600 वाली मत लेना, बढ़िया 5000 वाली टिकट लेना, ठीक है। मेरा तो मोटिवेशन यही रहता है, आज से मैंने कोई 5-7 साल पहले कोई मैच देखा था तो 500 की टिकट खरीदी थी, कुछ साल पहले देखा 2000 की टिकट खरीदी थी। आज की डेट में भगवान ने इतना कैपेबल बना दिया कि हाँ बढ़िया VIP में जाएंगे, बढ़िया बफे खाएंगे वहां पर, और बैठकर बढ़िया शीशे के अंदर AC में बैठ के पवेलियन के ऊपर वाली सीट ले सकते हैं, है ना।
तो यही एक मोटिवेशन का काम करता है कि जब हम वो 500 की सीट लेके बैठते थे कि यार ये पवेलियन के ऊपर वाले लोग कौन है यार, ये पवेलियन के ऊपर देखते हैं यार लोग, यार बिल्कुल यार विराट कोहली के साथ खड़ा है यार ये बंदा, तो वहां से फोटो खिंचवा रहा है पवेलियन के ऊपर, इसकी सीट ऐसे कैसे है, ये सीट कितने की है, वहां से ही मोटिवेशन भाई साहब स्टेज वाइज चलो 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 आगे वहां तक पहुंचना है, ये भी एक मोटिवेशन है। राज उस चीज को कर सकता हूं मैं, ये मैं बड़े बड़े मतलब कह सकता है ना, बड़े प्राउडली कह सकता हूं, मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है, आपके लिए शायद ना हो लेकिन मेरे लिए है, क्योंकि मैं इस चीज को मानता हूं देखता हूं। रीसेंट अचीवमेंट इन क्रिकेट, शाकिब अल हसन लीडिंग विकेट टेकर T20 क्रिकेट के बने थे हाल ही में, रविचंद्र अश्विन फास्टेस्ट इंडियन बॉलर और सेकंड ओवरऑल बने थे जिन्होंने 450 टेस्ट विकेट ली थी, बेन स्टोक्स द प्लेयर टू हिट द मोस्ट नंबर ऑफ सिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ द टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स मारने वाले खिलाड़ी, अक्षर पटेल बॉलर टू टेक 50 विकेट्स बाय बॉलिंग द फ्यूएस्ट बॉल्स फॉर इंडिया, बहुत ही कम बॉल्स में यहां पर 50 विकेट्स लिए थे, कगिजो रबाडा फास्टेस्ट प्लेयर जिन्होंने 100 विकेट्स लिए आईपीएल में, शाहीन अफरीदी यंगेस्ट बॉलर टू टेक द 200 T20 विकेट्स, एंड द लास्ट इज द बाबर आजम फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 5000 रन इन वनडे इंटरनेशनल इन 101 इनिंग्स। ये रीसेंट में कुछ महीने में यहां पर क्रिकेट से कुछ खबरें आती हुई जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है वो आपको एक साथ कम्पलीट करके दे दी है, जिनको हमने पिछले कुछ महीनों में डिस्कस कहीं ना कहीं किसी ना किसी न्यूज में किया होगा। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज आती है रीसेंट अचीवमेंट इन क्रिकेट से संबंधित, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने लॉन्च किया ई फाइलिंग 2.0 एंड द ई सेवा केंद्र, ये यहां पर बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने जो लॉन्च किया ई फाइलिंग 2.0 एंड लॉयर्स को कहा है कि ये फैसिलिटी केसेस को फाइल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली अब अवेलेबल है 24 घंटे 24/7 365 डेज यहां पर यह सुविधा उपलब्ध कर दी गई है कि जो भी एक लॉयर है उसको केस जो फाइल करना है वो फिजिकली फाइल करने के बजाय वो ऑनलाइन उस केस को फाइल कर सकता है कोर्ट में, यह सुविधा यहां पर आई है ई फाइलिंग 2.0 के तहत। इसके अलावा यहां पर उन्होंने ई सेवा केंद्र का भी उद्घाटन किया, उन्होंने इसको भी इनॉग्रेट किया, पूरे पूरे कंट्री में यहां पर बहुत सारे केसेस जो है वो यहां पर आपके इस ई सेवा केंद्र के थ्रू फाइल किए जा सकते हैं। ठीक है, ये उनको यहां पर प्रोवाइड कराएगा केसेस को फाइल करने की जगह, है ना, और इंफॉर्मेशन जो भी केसेस पेंडिंग है। अब ऑब्वियस है जो भी केसेस उनको इलेक्ट्रॉनिक फाइल करने हैं, ऑब्वियस है उनके घर पर अगर वो सुविधा ना हो, पोर्टल ना चले, उनके घर इंटरनेट फैसिलिटी कंप्यूटर फैसिलिटी ना हो, तो ऑब्वियस है कोई ना कोई जगह होनी चाहिए ना जहां पर ये केंद्र हो जहां पर आप जाकर केस को फाइल कर सको, तो वो ई सेवा केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ये आपकी हाल ही में। तो ई फाइलिंग 2.0 जिसके तहत यहां पर केसेस फाइल कर सकते हैं लॉयर्स ऑनलाइन कभी भी, और ई सेवा केंद्र जहां पर जाकर ये सुविधा हो सकती है उपलब्ध करवाई जा सकती है वहां पर जाकर वो ये काम कर पाएंगे। तो ये चीज आपकी की गई है हाल ही में। ई फाइलिंग 2.0 ई सेवा केंद्र किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका कोर्ट केसेस से, ये केस किससे संबंधित है, कोर्ट केसेस से। किसने इनॉग्रेट किया, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने इसको यहां पर आपका इनॉग्रेट किया है। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज आम पर आती हुई। चलिए आगे चलते हैं, द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडिया अर्बन स्पेस बुक बाय वरुण गांधी। सो वरुण गांधी के द्वारा एक बुक लिखी गई है, इंडिया मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडिया अर्बन स्पेस, ये लिखी गई फिरोज वरुण गांधी के द्वारा। इस बुक में यहां पर एग्जामिन किए गए चैलेंजेस इंडिया अर्बन स्पेसेस इंक्लूडिंग पॉवर्टी इक्वालिटी वगैरह वगैरह, इनके ऊपर बात की गई है। ये रीसेंट बुक्स एंड ऑथर्स है, ये आप अपने लेवल पर आराम से पढ़ लीजिएगा, हाल ही में जो हमने पढ़े थे पिछले दिनों में। 35th इंडो थाउ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल हेल्ड एट IMBL इन द अंडमान सी। सो 35वां एडिशन इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का कंडक्ट किया गया इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच में, अलोंग विद इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन के साथ यहां पर अंडमान सी में। सो अंडमान सी में यहां पर एक इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन के साथ यहां पर एक टाइप हुआ है, एक यहां पर एक गश्त एक साथ लगाई गई है, एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, समझ लीजिए कह लीजिए इंडिया और थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल की, है ना, इंडिया थाईलैंड दोनों ने मिलकर इसको कोऑर्डिनेट किया है, कंडक्ट किया है 35वां, अंडमान सी के पास इसको कवर किया है। ये कुछ रिसेंट एक्सरसाइज है हाल ही में जो कंडक्ट की गई है किसी ना किसी कंट्रीज के बीच में, खासकर इंडिया और कंट्रीज के बीच में दूसरी कंट्रीज के साथ।
अगली न्यूज है यहां पर स्टेट से, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने डेडिकेट किया डिजिटाइज्ड असम टू द पब्लिक। तो यहां पर आपका डिजिटाइज असम अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट जिसका बेसिक काम है डिजिटलाइजेशन करना यहां पर असामी जनरल सेट बुक्स की, असम की भाषा में यहां पर जो जनरल्स और बुक्स लिखी गई हैं उनको यहां पर डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराने का एक यहां पर एक इनिशिएटिव लिया गया है डिजिटाइज असम नाम से। और इसके तहत जो भी चीजें लिखी गई 1813 से लेकर 1970 तक उनको यहां पर उपलब्ध कराया जाएगा अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और ये चीज की गई हाल ही में गुवाहाटी असम में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। पहले फेज में यहां पर क्या किया गया, जनरल जो पब्लिश किए गए 1840 से 1970 के बीच में इनको इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें 3071 एडिशंस हैं, 161 जनरल्स हैं, टोटल 245680 पेजेस हैं, इन सबको डिजिटाइज किया जाएगा। दूसरे फेज में यहां पर आया जाएगा 1813 से 1962 के बीच में आपका जो बुक्स पब्लिश हुई है उनको यहां पर कवर किया जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले फेज में सबसे पहले जनरल्स को आपका कवर किया जाएगा आपका, और दूसरे फेज में यहां पर आपका बुक्स को कवर किया जाएगा। ईयर्स आपके सामने लिखे हुए हैं दोनों के दोनों, ये 1840 से 1970 और ये 1813 से 1962 के यहां पर कवर किए जाएंगे। एग्जाम पॉइंट से ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रख लेना। ठीक है, और हाल ही में ये भी पूछ सकते हैं हाल ही में कौन से जनरल्स और बुक्स को डिजिटलाइज करने के लिए कौन सी स्टेट ने यहां पर एक जिम्मेवारी ली है, उसका सही उत्तर असम रहेगा 1813 से 1970 के बीच में। जनरल्स की अलग डेट है यहां पर आपकी, और बुक्स की यहां पर अलग ईयर है, तो ये भी अच्छे से समझ लीजिएगा, याद करना 1813 1962। पद्म भूषण अवॉर्डी एंड इंडियन अमेरिकन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट पद्म देसाई, इनका हाल ही में निधन हो गया। पद्म देसाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में न्यूयॉर्क में इनका निधन हो गया। इनको पद्म भूषण अवार्ड जो मिला था वो लिटरेचर एजुकेशन में 2009 में दिया गया था, 2009 में दिया गया था। और ये इकोनॉमिस्ट है, बेसिकली बाय प्रोफेशन इकोनॉमिस्ट है, और इनको प्राइज कब दिया गया, 2009 में इनको सम्मानित किया गया। 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ होता है, प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इसकी थीम है। चलिए आज के सेशन में इतना ही था, उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। एंड पहले तो सबसे पहले आज रात को आपको मिलना है मुझे 9 बजे, ये 100% श्योरिटी, 100% आप सब लोग मिलोगे। आपके लिए मैं खुद अपनी जो मैं पढ़ाता हूं इसी से रिलेटेड मैं कुछ सरप्राइज लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो आई होप कि आप वो सरप्राइज के लिए उत्सुक होंगे और आपको बहुत ही पसंद आने वाले, बहुत ज्यादा आपका टाइम बचाएंगे वो ऐसे सरप्राइज है। ठीक है, और आज तक वो चीज नहीं की गई है। और सेकंड चीज, पटना में एक ऑफलाइन क्लास हो रही है, एक मीटअप हो रहा है, और ये हो रहा है 21 मई को दोपहर को 1 बजे। ये फ्री क्लास रहेगी, मैं वहां पर मौजूद रहूंगा आपके साथ, फिजिकल आमने सामने हम बातें करेंगे, अकेली क्लास के ऊपर बातें नहीं करेंगे, जबकि आपकी कुछ और क्वेरीज होंगी वो भी डील करेंगे। इसके लिए यहां पर एक गूगल फॉर्म दिया गया, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, और 21 मई को आना मत भूलिएगा 1 बजे। वहां पर आपका नाश्ता चाय पानी का भी इंतजाम होगा, टेंशन मत लेना, है ना, हम भी वहां पर रहेंगे। लोकेशन आपका अनअकैडमी का सेंटर है, बोरिंग रोड पे, बोरिंग रोड क्रॉसिंग पटना में, यहां पर अनअकैडमी का एक सेंटर है, वहां पर हम दोनों आपके लिए आएंगे, मौजूद रहेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, और उम्मीद करता हूं आप लोग भी उस चीज के लिए तैयार रहेंगे आने के लिए। और जो जो आएगा जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कौन आ रहा है और क्या वहां पर भाई साहब कर रहे हो। पहली बार मैं पटना आऊंगा, पहली बार बिहार में ही पहली बार आऊंगा भाई, मैं कभी बिहार साइड उस तरफ मेरा आना ही नहीं हो कभी, और पहली बार मेरे लिए भी है एक मौका वहां पर, वहां के लोगों से मिलने का, वहां के शहरों को देखने का। और वैसे तो 20 तारीख शाम को ही पहुंच जाएंगे, लेकिन मुलाकात हम 21 तारीख को 1 बजे करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड मुलाकात करते हैं इस सेशन में, तो जरूर मिलेंगे, मुझे सभी लोग वहां पर चाहिए, आसपास पटना से भी अगर 1-2 घंटे के रन पर हो तो जरूर आना मिलने के लिए। और अगर कोई लड़की है, कोई भी किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, तो आप अपने पेरेंट्स को भी लेकर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अकेले आना है वहां पर, कि आपके पेरेंट्स को नहीं ला आ सकते, अंदर बैठ नहीं सकते, आप बैठिए, बिल्कुल सम्मान दिया जाएगा, बैठेंगे वहां पर तसल्ली से, आप जब तक क्लास अटेंड करेंगे वहां पर वो भी आपके साथ बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं पर भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपके पेरेंट्स नहीं आने देना चाहते तो उनको कन्विंस कीजिए, आने जरूर देंगे, है ना, चाहे मेरी ये बात सुना दीजिए उनको, है ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने दीजिए, आप साथ में आइए, मोस्ट वेलकम, आप सब लोग भी वहां पर सम्मानित आमंत्रित हो। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जहां पर आपको मेरी सारी क्लासेस की अपडेट्स एंड पीडीएफ्स मिल जाती है। टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू अगेन, रात को 9 बजे आना मत भूलना।